अरे यार, मतलब पाकिस्तान का पूरा जीडीपी और इंडिया का सिर्फ एक स्टेट का जीडीपी बराबर कैसे है यार? महाराष्ट्र एक सिर्फ एक स्टेट है और पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है, एक पूरी कंट्री है। तो आपको नहीं लगता कि ये ज्यादती नहीं है कि एक एक जो सिटी है, एक जो सा स्टेट है पूरे पाकिस्तान से बड़ा? काफी हैरत अंगेज बात है कि वो इंडिया की एक स्टेट है जो पाकिस्तान से भी ऊपर जा रही है। ये एक बहुत हैरत अंगेज बात है हम लोगों के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान महाराष्ट्र को या फिर पूरे इंडिया को बीट कर पाएगा किसी भी सेक्टर में? लगा लें आईटी के सेक्टर, लगा लें एजुकेशन, लगा लें इकोनॉमी, लगा लें जीडीपी, लगा लें, कर सकता है? लगता तो नहीं है, लेकिन अगर कर ले तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत का सिर्फ एक राज्य पूरे पाकिस्तान देश से ज्यादा अमीर देख पाकिस्तान के लोगों को लगी मिर्ची। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। बल्कि हाँ, हम उनका कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं, बहुत हद तक हम उनका कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं। पहले जो हम अब उनका, जबकि हम तो मुसलमान है और हमारे इस्लाम से है ना, तो हम क्यों उनका कल्चर, जो कि वो हिंदू और वी आर द कॉपीकैट। इंडिया के स्टेट का और पाकिस्तान का, ये पूरे पाकिस्तान का, ये कैसे मतलब पॉसिबल है, कैसे फर्क? तो आपको क्या लग रहा है, अगर हम इतना पीछे हैं तो कैसे पीछे हैं? पता नहीं, ये ना मैं क्या बोलूँ, हमारे मैं अभी इधर प्राइम मिनिस्टर पे आ गई हूँ तो कह सकती हूँ हमारे शहबाज शरीफ आया ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे लग रहा है उसकी वजह से हो रहा है, बल्कि पहले का ही है ये काम। आई थिंक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, वो लोग क्यों जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों आगे हैं, क्योंकि उनकी स्टेट, उनके लोग एजुकेशन को ज़्यादा वो करते हैं, बॉदर करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इनिशिएटिव नहीं लेते, दे वॉन्ट टू प्ले सेफ। मोर ओवर, हमारे एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, हमें बस अपने एरिया में रह के अपने आप को करना है। एक्चुअली वी आर द सेल्फिश पीपल एज कम्पेयर टू द, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि हम लोग एजुकेशन को बिल्कुल भी नहीं करते। हमें ये है कि जो चीज़ मुझे पता है वो बस मुझे ही पता हो, बट वट दे गाइज डू, वो जो उनका पता होता है वो अपनी फैमिली को भी टीच करते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी टीच करते हैं कि वो एज अ नेशन दे आर यूनाइटेड। तो आपको क्या लगता है कि एज कम्पेयर टू इंडिया हमसे इतना ज़्यादा डेवलप क्यों है? यहाँ पे हमारे, हम जो मेहनत करते हैं उसकी अप्रिसिएशन नहीं है। इंडिया में कोई भी कुछ करता है तो उसकी अप्रिसिएशन है, मैं ये कहूँगा, इसलिए वो ज़्यादा डेवलप है और यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा, इसलिए नहीं। कहते हैं छोड़ो यार, क्या है, छोड़ो यार। वजह लगती है कि पाकिस्तान इंडिया से इतना ज़्यादा पीछे क्यों है? असल में ना मसला एजुकेशन का है और टेक्नोलॉजीज का, इस तो वजह से। तो फिर कब होंगे हमारी टेक्नोलॉजी और एजुकेशन ठीक? जब ये हमारा सोचेंगे, हमारी हुकूमत तभी होगा यार। तो आपका फिर उधर की हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है कि वहाँ की हुकूमत ज़्यादा अच्छा काम करती है? बिल्कुल, जो इंडिया जो है उसके क्या नाम है, टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा, और जो वहाँ की गवर्नमेंट है ना, तो वो मतलब टेक्नोलॉजीज पे और वहाँ के मतलब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। आपको क्या लग रहा है कि इंडिया ने अपना एक एक स्टेट जो है आप पाकिस्तान के और पूरे वर्ल्ड में माना जाना, मतलब बना रहा है अपने हर स्टेट पे, अपने हर सिटी पे बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रहा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में इंडिया जो है किधर आप देखते हो? अगर इंडिया ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहा तो इंडिया एशिया की सबसे बड़ी कंट्री बन सकती है, आई थिंक। काफ़ी हैरत अंगेज बात है कि वो इंडिया की एक स्टेट है जो पाकिस्तान से भी ऊपर जा रही है, ये एक बहुत हैरत अंगेज बात है हम लोगों के लिए। और ऊपर से वर्ल्ड में जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा उस पर आ रही है, चौथे पांचवें नंबर पे दुनिया में मानी जा रही है महाराष्ट्र उनका सूबा। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है जिसके इंडिया ने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाई और अपने एक एक सूबे को पाकिस्तान के मुताबिक करने की कोशिश की है? मतलब इस वजह से कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये अपनी अपनी आपस की लड़ाइयों में हमारे मुल्क के लिए काफ़ी मतलब ख़राब कर रहे हैं, जिससे हमारा मुल्क काफ़ी डाउनवर्ड जा रहा है। अब जिस तरह इंडिया है वो चाइना के बाद दूसरा ऐसा मुल्क है जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग में या एक्सपोर्ट करने में सबसे आगे जा रहा है, इस वजह से भी पाकिस्तान काफ़ी पीछे है। तो अगर नहीं कर सकता तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम भी हैं, एक जगह पे हम हैं और एक जगह पे और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या फील किया देखने के बाद, कुछ चीजें सिमिलर लगी या फिर महाराष्ट्र आ गया?